मैं राकेश बंटी बत्रा, चेयरमैन नगर पालिका कलानौर, आप सभी साथियों को, व्यापारी भाइयों को जन क्रांति यात्रा होटल में शामिल होने की अपील करता हूं। आप सभी व्यापारी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को होटल में जन क्रांति यात्रा में पहुंचकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद। फतेहाबाद में आज सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्करों की ओर से लघु सचिवालय में अपनी गिरफ्तारियां दी गई। वर्कर नारेबाजी करती हुई लघु सचिवालय में पहुंची, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से वर्कर्स को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया गया। पुलिस लाइन ले जाने के बाद सभी आंगनबाड़ी वर्करों को रिहा कर दिया गया। वर्करों की ओर से पहले ही जिला प्रशासन को गिरफ्तारी आंदोलन संबंधी चेतावनी दे दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से भी पुख्ता प्रबंध कर दिए गए थे। इसके बाद रोडवेज बसों में भरकर आंगनवाड़ी वर्करों को पुलिस लाइन में ले जाया गया। आपको बता दें कि फतेहाबाद में पिछले 13 दिनों से अपनी मांगों को लेकर ये आंगनवाड़ी वर्कर आंदोलन कर रही है। वहीं आज आंगनवाड़ी वर्करों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अब उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो आंदोलन को हर रोज और तेज करती जाएंगी। मुख्य मांगे हैं मेरा भाई, पहले तो कर्मचारी ही बनावे हमें तो सीधा, सरकारी कर्मचारी बनाओ। मोदी सो क्यों रहे हैं 8100 में, ये आपका कपड़ा कौन धुआ सके, क्यों हमको नहीं वो। और एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगी, ये नारा दे रहे हैं और इधर बेटियां नो बेच रहे हैं। जो पहले 25,000 था लाडली स्कीम का, उसको काट के 21,000 करेगा, जिसका कोई सबूत नहीं है, ये उन लिखा के छोड़ रहे। आज हम जेल भरांगे सारे हरियाणा की, जो जगवंती मलिक के साथ है ना, ओनली आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर है हमारे साथ, तीसरा ग्रुप कोई नहीं है। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।